हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में मैं कार डिसइनफेक्ट करने के बारे में आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि वायरस फैल रहा है तो उसके वजह से कार को भी डिसइनफेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो कार को डिसइनफेक्ट करने के लिए मैं इस वक्त एक ही प्रोडक्ट है जो यूज़ करने वाला हूँ। ये फ़िलहाल कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, डेटॉल का स्प्रे है, क्योंकि इस वक्त कोई स्पॉन्सर और किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं है। जो कि चीज़ सही है वही बतानी है मुझे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कार को डिसइनफेक्ट करने के लिए जो मेन चीज़ें हैं, सबसे पहले तो आपको दो चीज़ें करनी है जो कि मैं कर चुका हूं अपनी कार में। सारे जो आपके डोर हैंडल्स हैं, जो बाहर की चीज़ें जैसे आपके ORVMs हैं, डोर हैंडल्स हो गए आपके, एंड यहाँ पे आपका बूट के नीचे की जो प्लेसिंग है जिसमें हम लोग हाथ डालते हैं, तो उसको भी ऑन रहना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे भी मैंने क्लीन किया है अभी पानी से, अब इसको मैं स्प्रे भी करूँगा। एंड यहाँ पे एक फ्यूल लिड है जिसको आपको खोल के भी साफ़ करना चाहिए। एंड अगेन डोर हैंडल्स एंड ORVMs आपके आ जाते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ अंदर से, तो अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है। अंदर अंदर बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एक कपड़ा चाहिए। एंड इसको पहले पूरा डैशबोर्ड को मैं वाइप कर चुका हूँ पानी से, साफ़ पानी से, साफ़ कपड़े से। इसको पूरा वाइप कर दीजिए जिससे जो डर्ट है पहले निकल जाए पानी से। एंड उसके बाद इस पर अभी डर्ट नहीं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डर्ट नहीं देखने को मिलेगी। तो यहाँ डर्ट नहीं है इस डैशबोर्ड पे। तो अंदर से क्या करना है आपको, केवल सिंपली अगर आपके पास, आप कोई भी तरीके का स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल डेटॉल का यूज़ कर रहा हूँ। कई डॉक्टर स्प्रिट आप ले सकते हैं, सैनिटाइज़र भी, आप अगर आपके पास नहीं अवेलेबल है चीज़ें तो आप सैनिटाइज़र को थोड़ा सा वाटर में मिक्स करके, बट वो उतना इफेक्टिव होगा नहीं, बट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव आपका डॉक्टर स्प्रिट हो जाएगा। एंड ये डेटॉल का जो स्प्रे है, अगर ये आप ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है। तो इसको यूज़ करने का बस सिंपल तरीका, आपको स्प्रे करना है। एंड यहाँ पे आपको जैसे डैशबोर्ड पे मैंने स्प्रे कर दिया, जहाँ जहाँ मैं टच करता हूँ म्यूज़िक सिस्टम की बटन्स हैं तो यहाँ पे स्प्रे कर सकते हैं हम। एंड यहाँ पे गियर नॉब हमेशा ही छूना है, बार बार छूते हैं हम लोग, तो इसको भी मैं स्प्रे कर देता हूँ। एंड यहाँ पे जो आपका पावर सॉकेट है यहाँ पर, एंड AC के कंट्रोल्स पे भी मैं स्प्रे थोड़ा थोड़ा ही करना है, बहुत ज़्यादा नहीं कि गीला हो जाए एकदम। एंड यहाँ पे भी कर दिया, हैंड ब्रेक पे भी कर देता हूँ मैं, हैंड ब्रेक पे भी आप लोग को करना है। एंड यहाँ पे डोर्स को मैं डिसइनफेक्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी कल, तो आज मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं इसको कम से कम 3 दिन के गैप पे करूँगा, क्योंकि कार अभी चल भी नहीं रही है, बहुत कम यूज़ है, बाहर जाना नहीं है। मेरी भी सजेशन आप लोगों से यही रहेगी कि बाहर ना निकलें। एंड कल 22 मार्च है, तो कल तो बिल्कुल बाहर ना निकले। कल तो हमारे PM ने ही कह रखा है कि हम लोग को कर्फ्यू लगाना है, जिससे ये जो चेन है ब्रेक हो जाएगी। तो फिलहाल तो मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो आपको यही जहाँ जहाँ आप टच करते हैं, यहाँ पे ग्लव बॉक्स है, ये भी मैं डिसइंफेक्ट कर चुका हूँ। तो यहाँ पे आप इसके लिड पे यहाँ पर स्प्रे कर सकते हैं, इसकी हैंडल पे स्प्रे कर सकते हैं, इसी वेंट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, जहाँ जहाँ आपका हाथ जाता है। ORVMs हो गए आपके, पीछे से स्प्रे करके साफ कर सकते हैं आप। एंड स्टीयरिंग व्हील जो मैंने, इस पर भी पूरा स्प्रे करके साफ कर सकते हैं, बट मैं इसको साफ कर चुका हूँ। मैंने पहले खुद ट्राई किया, क्योंकि इसको साफ करने के बाद कार में ऐसा कुछ नहीं, अलग सी स्मेल आ रही, गंदी सी स्मेल भी इसकी काफी अच्छी, तो इसलिए मैंने इसको पहले खुद ट्राई किया है, फिर मैं आप लोग को बता रहा हूँ। एंड यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख सकते हैं सेंटर कंसोल है, यहाँ पे भी आप अपना स्प्रे कर सकते हैं। एंड आप सीट्स पर भी कर सकते हैं, सीट पर जैसे कि आपका ये सीट भी मैंने पूरी डिसइनफेक्ट की है, ये मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सीट भी करें। एंड जो सबसे मेन चीज एक और आती है, वो आती है आपकी सीट बेल्ट। जैसे कि ये सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट को आपको यहाँ पे इसको लेके इसके ऊपर आपको स्प्रे करना है, इसके बकल के ऊपर, क्योंकि ये आपको डेली जितनी बार आप कार ड्राइव करेंगे उतनी बार आपको टच करना ही पड़ेगा। तो ये आपको चारों सीट बेल्ट के साथ करना है। एंड आप टिश्यू पेपर भी यूज कर सकते हैं चाहे तो। मैंने कपड़ा यूज किया था, जैसे कि क्लोथ है मेरे पास, ये क्लोथ है मेरे पास, तो इसको मैं यूज कर रहा हूँ ऐसे फिलहाल, जहां जहां मैंने स्प्रे किया साफ करने के लिए। तो इसको ऐसे मैं साफ कर सकते हैं, आप कपड़े से भी साफ कर सकते हैं, टिश्यू से भी, बट टिश्यू को इधर उधर ना फेंकें, क्योंकि टिश्यू फेंकने से इधर उधर वो दूसरी जगह स्प्रेड भी हो सकता है वायरस, तो ये बात है। एंड आप पीछे भी कर सकते हैं। एंड अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ जहाँ पे फ्यूल लिड है, वहां भी मैं डिसइनफेक्ट करके आप लोग को दिखाता हूँ कि एंड जो डोर हैंडल्स हैं आपके, उनपे कैसे होता है। तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, सीधे थोड़ा सा स्प्रे करना है, ताकि यहाँ पे बार बार टच होता रहता है।
एंड बस आपको सिंपली कपड़े से इसको क्लीन कर देना है, क्योंकि जितनी बार आप फ्यूल फिल कराएंगे उतनी बार कोई ना कोई इसको टच ज़रूर करेगा, तो इसलिए इसको करना ऐसे बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपकी कार में बार बार इन्फेक्शन और ना फैले, क्योंकि कई बार लोग इसको टच करते हैं एंड किसका हाथ कैसा है, उन्होंने डिसइनफेक्ट कर रखा है कि नहीं, आजकल लोग इसके बारे में बिल्कुल अवेयर नहीं है। तो एक ये हो गया एंड एक आपका बूट के नीचे हो गया, बूट के नीचे भी ऐसे आप मार के डिसइनफेक्ट कर सकते हैं सिंपली ऐसे करके। तो आप यहाँ पे बार बार हाथ लगाएंगे तो आपका डिसइनफेक्ट हो जाएगा। एंड यही कुछ मेजर स्टेप्स थे जो आप लोग को लेने अपनी कार को डिसइनफेक्ट करने के लिए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप घर पे ही कर सकते हैं। डॉक्टर स्पिरिट फिर से मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर स्पिरिट आप यूज़ कर सकते हैं, पानी में मिक्स करके उसको स्प्रे कर सकते हैं, या तो ये स्प्रे अगर आपको मिल जाए मार्केट में जनरल स्टोर पे मिल जाता है तो ज़्यादा आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको इजीली अवेलेबल है तो ले लीजिए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है लेने की, आप डॉक्टर स्पिरिट यूज़ कर सकते हैं। हाँ, डेटॉल भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप उसको कपड़े में भिगा करके कपड़े में डेटॉल डाल के एंड फिर उसको भी पो सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा वर्क करेगा, वो भी वायरस और बैक्टीरिया को मारता है। तो मेरा आप लोग को यही सजेशन है कि घर से प्लीज़ बाहर ना निकले एंड कार को ऐसे ही आप लोग साफ़ कर सकते हैं। और कोई क्वेरी हो आपको कार के सैनिटाइजेशन से या कार में और क्या यूज़ कर सकते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनी, हेलमेट पहनी एंड बाहर मत निकलिए जब तक गवर्नमेंट गुड न्यूज़ नहीं देती है। थैंक यू एंड गुड बाय।